हाय एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम और उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस किए थे कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। आज की मेरी वीडियो एक्सपोनेंट्स पे। तो एक्सपोनेंट्स क्या चीज़ है, पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट देखेंगे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Exponent of a number says how many time to use the number in a multiplication. It means के एक number कितनी दफा multiplication में use हो रहा है। In for example, अब 8 का square है, तो square basically क्या है, ये exponent है और 8 उसकी base है। अब 8 को दो दफा हमने multiply करना है, तो इस exponent के questions में main वो exponent और base के questions ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन को देखें, राइट द बेस ऑफ -6 की 5। अब इसमें एक्सपोनेंट क्या है, 5 है और बेस -6 है। अब इसमें बेस का पूछ रहा है, एक्सपोनेंट की बात नहीं कर रहा है। एक्सपोनेंट इसमें 5 है और बेस -6 है। आंसर बी है इसका। क्वेश्चन नंबर टू देखें, एवेलुएट 4 की पावर 6। अब वो 4 की पावर 6 पूछ रहा है। अब अपने 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर थ्री देखें, राइट ऑफ 1 billion एज ए पावर ऑफ 10। अब 1 billion में 10 की पावर को क्या लिखा जाता है, तो इसमें 10 की पावर 9 लिखा जाता है। अगर नहीं आपको पता तो जैसे पुराने वक्तों में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, तो आपके 9 सिफरे बनती हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर फोर देखें, एवेलुएट -15 सेंटीग्रेड। अब -15 सेंटीग्रेड को अगर एवेलुएट करें तो इसका जवाब क्या बनेगा, 1, क्योंकि 1 से जब इसकी मल्टीप्लीकेशन वगैरह की जाती है तो इसका जवाब 1 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, एवेलुएट -10 की पावर 0 का एक्सपोनेंट है 7। तो 7 के साथ एवेलुएट करना है, इसमें एक्सपोनेंट 7 है, 0 भी एक्सपोनेंट है, लेकिन जब बेस के साथ 0 आ जाए तो उसका आंसर 1 आता है। तो 7 है, जब 1 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही आएगा, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर बनेगा -1। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, स्टेट विच ऑपरेशन यू शुड डू फर्स्ट टू एवेलुएट 8 + 9 × 6² - 5। अब इसमें देखना यह कि कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले स्क्वायर को का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सेकंड मल्टीप्लीकेशन, तो इसका आंसर है ए, स्क्वायर 6। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, एवेलुएट 5³ - 6³। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट आपके पास 3 है, 6 और 5 बेस है। 6 और 5 को 3-3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लीकेशन के बाद इनको प्लस करना है, क्योंकि जब दोनों को आप प्लस करेंगे तो 341 इसका जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, एवेलुएट 2 + 3² - 3 - 5³। अब इसमें सबसे पहले आपने 3 + 2 5 कर लिया, 3 - 5 तो ये -2 आएगा। जब 2 का क्यूब लेंगे तो ये बनेगा -8 और यहाँ पे आपके पास बनेगा 25। अब माइनस माइनस क्या होगा आपके पास, प्लस 25 प्लस 8 कितना बनेगा, 33। तो ये इसका आंसर है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.